सारा खान कुके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन कोरमा रेसिपी, तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच ऑयल लिया है और दालचीनी, जीरा, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, तो इनको लाल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें लाल हो चुकी थी, तो अभी हमने चिकन पहले से धोकर रखा था, तो अभी इसमें डाल देंगे। अभी इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक चम्मच डाला है हमने यहाँ पर, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अभी इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको थोड़ी देर भूनने देंगे। और अभी हम इसमें दही डालेंगे। हमने यहाँ पर 4 चम्मच दही डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अभी हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इनको 5-10 मिनट के लिए भूनने देंगे। ये हमारी चिकन अच्छी तरीके से भून चुकी है, तो अभी हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने धनिया डाला है, 3 चम्मच धनिया डाला है। और 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये हमने कश्मीरी मिर्च डाली है जिससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो अभी बचा हुआ दही था तो वो भी हमें इसमें डाल दिया, 1 कप था। इसमें डालेंगे नमक, तो यहाँ पर हमने नमक डाला है, 1.5 चम्मच हमने नमक डाला है। और अभी इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, तो यहाँ पर हमने गरम मसाला डाल दिया है। और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अभी हम इनको 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनने देंगे, सारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे तला हुआ प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था, तो वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। और हमको इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाना है, तो अभी हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन, मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारी चिकन बनकर एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से चला देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चिकन बनकर एकदम तैयार है, चिकन कोरमा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।